एक दीक्षा देने में ना, एक जन को दीक्षा मंत्र देने में वेद विधि अनुसार कम से कम 6-8 घंटा लग जाता है। 6-8 घंटा लगते एक जन को अगर विधि अनुसार दीक्षा देते हैं, सब समान संग्रह करना, आचार्यों को पूजा करना, जुगर्निश को पूजा पाठ, ये सब यज्ञ होम सब करना पड़ता है। फिर जाके उसको शोधन करते हैं, उसको उसको अंतकरण शुद्धि के लिए करते हैं ये, फिर जाके उसको मंत्र प्रदान करते हैं, मंत्र के बाद फिर जाके यज्ञ समाप्त होने के बाद फिर वैष्णव सेवा करते हैं, साधु संत सेवा आशीर्वाद दिलाते हैं सबको, ऐसे बहुत सारी प्रक्रिया। आजकल तो ऐसे समर्थी बन जाते हैं हम जैसे हम दूसरे की बात नहीं कहते हैं, माइक में इतना कहां भाई, कान में देने से कितना हम उद्धार करेंगे, माइक में उद्धार करते हैं, चलो ऐसे ही उद्धार हो रहा, हम जैसे उद्धार, सब उद्धार हो रहा, जाओ क्या कहें, ये समय के खेल ऐसा है। तो राधारानी कहते हैं जो देखो हम तो देंगे देंगे, लेकिन वो आधार कहां, अभी थोड़ा सा देंगे तो कुछ दिया नहीं, इसी में ही तुम्हारा इतना अहंकार, हम कितने बड़े संत हैं, हम कितना भजनानंदी हैं, हम ऐसे हैं, हम शुद्धाचारी हैं, हम तपस्वी हैं, ये तो गृहस्थी हैं, वो ऐसे वो तैसे वो तैसा है, तेरा सत्यानाश हो जाए। अरे बाबा, दोपहरा माला करके अनुग्रह निग्रह का कर्ता बन जाते हैं, तेरा सत्यानाश हो जाए, माने हम भजन किया ना, तो ऐसे अनुग्रह निग्रह, जहां तेरा कल्याण हो जाए, तेरा अच्छा होगा। अरे तू अनुग्रह का निग्रह करता है, अनुग्रह करके तेरे को उद्धार कर रहा है, इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण में कहा है साधन साधक अवस्था में किसी को अनुग्रह नहीं करना, किसी को निग्रह नहीं करना, आशीर्वाद खबरदार किसी का माथे पे हाथ नहीं धरना, श्रीमद् भागवत कहते हैं, क्यों उसमें शक्ति क्षीण हो जाता है। और तुम करने वाले कौन हो, निग्रह भी नहीं, तेरा शक्ति बोल दिया ना उसमें तुम्हारा शक्ति नष्ट हो जाएगा, निग्रह भी नहीं अनुग्रह भी नहीं, तो क्या करे कल्याण क्या करे, पर तुम प्रार्थना करो, हे राधा रानी ये जीवात्मा तुम्हारे शरण में आए, हे राधा रानी इसको कृपा करो, दया करो, वो समर्थ वही है, वो कल्याण करेंगे, तुम ठेका क्यों ले रहे हो। तो कहते हैं हम तो देना चाहते हैं, लेकिन आधार ऐसे है ना, दिया नहीं उसी में ही तो फूल फल के गोल हो जाता है, अगर थोड़ा सा मिल गया ना जाने वो क्या करेंगे, सत्यानाश कर देंगे हमारा सृष्टि का। जय जय।